हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। सो गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 18 से 25 एज ग्रुप की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज वीडियो का डिस्कशन पॉइंट देख लिया जाए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो होगी एकदम एक्यूरेट होगी और आप खुद भी समझ जाएगा वीडियो के अंत तक कि क्यों जो भी हम लोग इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कटअप डिस्कस करेंगे वो क्यों एक्यूरेट हो सकती है। तो ये आप खुद ही फीडबैक देके जानिएगा कमेंट में। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 एज ग्रुप की कटअप की डिस्कशन करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ DV की रहेगी। उसके बाद कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो हम लोग ने कुछ बेस नंबर पकड़ के चल रहा है, तो ऐसे कितने कैंडिडेट अवेलेबल है वो चीज़ भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा क्या कट ऑफ रह सकती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, वो सारे बातों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने कुछ एग्ज़ाम डिटेल्स करके यहाँ पे लिख रखा है। तो क्या लिख रखा है ये उसे पहले देखा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग ने जो भी ऑफिशियल जो भी PDF अवेलेबल है कट ऑफ की, ये डिटेल सारा वहाँ से ही निकाला गया है। तो ये कोई हमारे यहाँ से कोई भी एजम्पशन नहीं है, ये सारा डिटेल्स वहाँ से निकाला गया है, आप खुद भी देख सकते हैं चेक करके। तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ने सबसे पहले चेक किया कि जो भी कैंडिडेट जो जनरल से बिलोंग करते हैं जिनका नंबर 80 या 80 प्लस है, ऐसे कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं 18 से 25 एज ग्रुप में। तो ऐसे लगभग आपका ये एक्यूरेट डेटा है जो वहाँ पर दी गई है, 4005 कैंडिडेट अवेलेबल है जिनका नंबर 80 या 80 से ज़्यादा है जनरल कैटेगरी से। अगर बात की जाए OBC की, तो OBC में हम लोग ने चेक किया कि जो भी कैंडिडेट जिनका नंबर 78 या 78 से ज़्यादा है, तो ऐसे कितने कैंडिडेट अवेलेबल है। तो जो हमने डेटा पाया वहाँ से, ऐसे 1800 कैंडिडेट OBC में अवेलेबल है जिनका नंबर 78 या 78 से ज़्यादा है। अगर बात की जाए SC की, तो SC में हम लोग ने बेस नंबर 74 पकड़ के चला, तो यहाँ पे 74 नंबर जो है, ऐसे 74 या 74 से ज़्यादा जो भी SC से नंबर पाने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, तो इनका नंबर क्या है, ये कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे अवेलेबल है। तो टोटल हम लोग ने 1170 कैंडिडेट ऐसा पाया SC में कि जो 74 या 74 से ज़्यादा पाने वाले में से हैं। अगर ST की बात की जाए, तो ST का डेटा जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था अपने पुराने वीडियो में कि थोड़ा सा अचंभाजनक है, और इस बार भी सेम हम लोग ने पाया कि जैसे हम लोग ने आपको लास्ट भी वीडियो में बोला था कि ST की कटअप इस बार पकड़ के चला जा रहा है कि बहुत ही कम जाएगा जो एजम्पशन हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें ST के जो हम लोग ने डेटा यहाँ से जो कलेक्ट किया, जो 70 प्लस पाने वाले लड़के हैं, ऐसे मात्र 300 ही लड़के अवेलेबल हैं 18 से 25 एज ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा, मात्र 300 लड़के ही अवेलेबल है। तो ये तो रहा डेटा, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आप बात करें UR की, तो 4005 कैंडिडेट अवेलेबल है 80 प्लस पाने वाले। OBC की अगर 78 प्लस की बात की जाए, तो 1800 कैंडिडेट अवेलेबल है। SC की 74 प्लस की बात की जाए, तो 1170 कैंडिडेट अवेलेबल है। अगर ST की 70 प्लस कैंडिडेट की बात की जाए, जो भी इतने नंबर पाने वाले, ऐसे मात्र 300 कैंडिडेट अवेलेबल है। तो ये तो रहा आपका डेटा, और ये डेटा क्यों हम लोग ने कलेक्ट किया मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, तो ये आपकी रही टेंटेटिव वैकेंसी जो ऑफिशियली है, जिस जो PDF आप लोग ने भी ज़रूर देखा होगा। तो ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे फिर से। तो देखिए, अगर जनरल की बात की जाए, तो जनरल में ऐसे 4000 कैंडिडेट अवेलेबल है जिनका नंबर 80 प्लस है, ठीक है। और जो भी 18 से 25 एज ग्रुप में, आप सभी को पता है कि वो 18 से 25 और 18 से 27 दोनों के लिए ही एलिजिबल है, यानी दोनों ही एज ग्रुप में वो लोग फाइट करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग डेटा देखें, तो जनरल की जो वैकेंसी है, अगर आप 18 से 25 एज ग्रुप में देखें, तो 2597 वैकेंसी है, और अगर 18 से 27 एज ग्रुप में देखें, तो 785 वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसी देखें, तो 3382 वैकेंसी आपकी है यहाँ पे जनरल की। और ऐसे कितने कैंडिडेट अवेलेबल है जिनका C+ नंबर है, 4000 कैंडिडेट अवेलेबल है, ऐसे 4000 कैंडिडेट अवेलेबल है। तो 80 प्लस पाने वाले 4000 है, और ग्रैंड टोटल वैकेंसी 3382 है। अगर आप सी 18 से 25 एज ग्रुप में बताएं, तो 2597 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वैकेंसी है 2597 जनरल में, सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 एज ग्रुप में, और टोटल वैकेंसी 3382 है। और टोटल 18 से 25 एज ग्रुप में 80 प्लस पाने वाले लड़के कितने हैं, 4000 हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 4000 लड़के में सबका ही स्टेट का जो प्रेफरेंस होगा वो ऑल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ से ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे, या हो सकता है 30% कैंडिडेट होंगे जिनका स्टेट प्रेफरेंस ऑल नहीं होगा। तो
ये भी हम लोग ने अपने कट ऑफ एनालिसिस में इंक्लूड किया है, और इसी बेसिस में हम लोग ने जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डीवी के लिए कट ऑफ बनाई है, इस बेसिस इसको भी इंक्लूड करके ही बनाया। तो ये तो रहा आपका जनरल का। आइए ओबीसी की बात की जाए। तो ओबीसी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 2052 सीटें, जिसमें से 18 से 25 एज ग्रुप में 1558 सीट अवेलेबल है। अगर 18 से 27 की बात की जाए तो 494 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो भी लड़के 18 से 25 एज ग्रुप में 78 प्लस पाने वाले हैं, 78 या 78 से ज़्यादा, तो उनकी संख्या 1800 है। जैसे कि मैंने आपको बोला उनकी संख्या 1800 है और यहाँ पे वैकेंसी है 2000 प्लस, यानी कि जो भी लड़के जिनका 78 या 78 से नंबर ज़्यादा है उनका डीवी तो 100% कन्फर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका डीवी के लिए नाम नहीं आएगा, डीवी 100% कन्फर्म है। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी जो इसके रिगार्डिंग डिटेल्स होंगे। तो ये तो रहा आपका ओबीसी का। फिर अगर बात की जाए एससी की, तो अगर बात की जाए एससी की, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मैंने दिखाया कि 74 प्लस पाने वाले लड़के एससी में, 74 या 74 से ज़्यादा पाने वाले लड़के सिर्फ और सिर्फ 1170 हैं। और अगर यहाँ पे वैकेंसी देखी जाए एससी की, तो 517 टोटल वैकेंसी है, 390 18 से 25 एज ग्रुप में, और 18 से 27 आपका एज ग्रुप में 127 वैकेंसी है आपकी एससी की। और टोटल जो कैंडिडेट है 18 से 25 एज ग्रुप में जिनका नंबर 74 या 74 से ज़्यादा है, ऐसे 1170 लड़के हैं। तो फिर से मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सबका स्टेट प्रेफरेंस ऑल होगा, यहाँ पे 30-40% ऐसे लड़के होंगे जिनका स्टेट प्रेफरेंस ऑल नहीं होगा। तो ये सारे बात को भी ध्यान में रखा गया है एनालिसिस करते समय। फिर बात की जाए एसटी की, तो अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी में जैसे हमने आपको बताया कि 70 प्लस पाने वाले लड़के सिर्फ और सिर्फ 300 है, मात्र 300 लड़के ही 70 प्लस पाने वाले हैं। और अगर यहाँ पे डेटा देखी जाए जो टेंटेटिव वैकेंसी के, तो 442 सीट है 18 से 25 में, और 18 से 27 एज ग्रुप में आपका 142 सीट है। तो ध्यान दीजिएगा जिनका भी नंबर 70 प्लस आ रहा है एसटी से, उनका 100% यहाँ पे हो जाएगा, चाहे आप डीवी की बात करें या चाहे फाइनल मेरिट की बात करें। तो ये तो रहा एसटी का, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही, मैं आपका हर वीडियो में आपको बताते जा रहा हूँ कि एसटी की कट ऑफ कम जाएगी। तो पहले भी मैंने आपको बोला और इस बार भी मैं आपको सेम बोल रहा हूँ। तो ये तो रहा जो 300 कैंडिडेट, और ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कि ये 300 कैंडिडेट का भी स्टेट प्रेफरेंस ऑल ही होगा। तो ये तो रहा डेटा जो मैंने आपको अभी दिखाया कि कितने कैंडिडेट है जिनका बेस नंबर ये है, तो उन कितने नंबर से कैंडिडेट अवेलेबल है और क्या वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ने कंपेयर किया। ये कंपेयर करने के बाद आइए आगे मैं आपको ESM और EWS की कितनी वैकेंसी है आपको दिखा दूँ। तो EWS में आप देख सकते हैं 428 वैकेंसी है आपके 18 से 25 एज ग्रुप में, और 18 से 27 में 136 वैकेंसी है, टोटल 564 वैकेंसी है आपकी EWS में। तो ये तो रहा आपका EWS का वैकेंसी। और अगर एक सर्विसमैन की बात की जाए तो 617 टोटल वैकेंसी है, 473 आपकी 18 से 25 एज ग्रुप में, और 144 18 से 27 एज ग्रुप में वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये रहा वैकेंसी डिटेल्स। अब आइए क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, उस विषय में डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने वीडियो तो बहुत देखा होगा लेकिन ऐसा एनालिसिस आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अगर पहली बार जुड़ रहे आप हमारे चैनल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही अपडेट के लिए। तो दोस्तों की जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो 18 से 25 एज ग्रुप की और जिनका प्रेफरेंस ऑल दिया गया है, उनका इतने नंबर पर ज़रूर डीवी के लिए नाम 100% आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी ही बोला, तो जो भी भाइयों का नंबर अगर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर इसके अंदर आता है, तो उनका डीवी के लिए नाम 100% होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल ही एक्यूरेट कट ऑफ होगी, और पूरे फुल एनालिसिस और फुल डिटेल्स के संग इसे किया गया है। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि लगभग यही कट ऑफ जाने वाली है 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार बोल के। तो जिनका भी यूआर से नंबर अगर 79-80 जा रहा है, उनके डीवी के लिए नाम 100% आएगी। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 76-77 जिनका भी नंबर जा रहा है, उनके डीवी के लिए नाम आएगी। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 76-77 जिनका भी नंबर जा रहा है, उनका ईडब्ल्यूएस में डीवी के लिए नाम एटलीस्ट आएगी जरूर। एससी की बात की जाए तो 73-74, एसटी की बात की जाए तो 66-67 जिनका भी नंबर आ रहा है, उनका यहाँ पर डीवी के लिए नाम पक्का रहेगा। और ईएसएम की बात की जाए तो 52-53। तो ये सारे डिटेल्स हमने अपने एनालिसिस में पाए हैं। अगर आप
का कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलेगा, और हम लोग जल्दी 18 से 27 एज ग्रुप की जो भी कट ऑफ एनालिसिस होगी सारे कैंडिडेट डिटेल्स के संग ही हम लोग लेके आएंगे कि इतने कैंडिडेट अवेलेबल है। तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के संग और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।